पर फिर आस्था सर्किट स्पेशल टूरिस्ट ट्रेन चलाने की घोषणा की है। यह टूरिस्ट ट्रेन श्रद्धालुओं को दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों का भ्रमण कराएगी। ट्रेन आगामी 28 जुलाई को पटना से खुलेगी, जो जहानाबाद, गया, कोडरमा, गोमो, चंद्रपुरा, बोकारो, हटिया एवं झारसुगुड़ा होते हुए तिरुपति बालाजी जाएगी। इसके अलावा मदुरई, मीनाक्षी मंदिर, रामेश्वरम, कन्याकुमारी टेम्पल और विवेकानंद रॉक का दर्शन कराकर 6 अगस्त को वापस आएगी। IRCTC के क्षेत्रीय प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि बिहार के पर्यटकों की विशेष मांग पर पहली बार दक्षिण भारत के लिए आस्था सर्किट स्पेशल ट्रेन चलाने की योजना बनाई गई है। इस स्पेशल ट्रेन में 750 यात्री रहेंगे। ये जो दक्षिण भारत यात्रा है, ये हमारा पटना से स्टार्ट होगी और ये पूरा दक्षिण भारत में तिरुपति, रामेश्वरम, मदुरई, कन्याकुमारी, यहाँ पे जितने भी इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन हैं सब जगह ये घुमाएगी। ये गाड़ी जो है आपको 28 जुलाई को पटना से खुलेगी, ठीक है। इसमें जो हमने इसमें जहानाबाद में भी इसका स्टॉपेज दिया गया है, लोग यहाँ से भी बोर्ड कर सकते हैं ट्रेन को। तो पटना, जहानाबाद, गया, कोडरमा, गोमो, धनबाद, ये सब स्टेशन पे जो है लोग जो है बोर्ड कर सकते हैं। कितने यात्रियों की सुविधा है इसमें? इसमें अभी जो 750 यात्रियों की सुविधा है और हमारा जो अभी तक है कि 550 के करीब करीब बुकिंग हो चुकी है, तो 250 सीट है। ये किसके द्वारा से ये करवाया जा रहा है, यात्रा पूरे का मैनेजमेंट चाहिए? ये IRCTC के द्वारा करवाया जा रहा है, इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉर्पोरेशन लिमिटेड के द्वारा करवाया जा रहा है। बता दें कि यात्रा 9 रात और 10 दिन की होगी। इसमें एक यात्री को सभी कर सहित 9,451 रुपए देना होगा, जिसमें पर्यटकों को स्लीपर क्लास की रेल यात्रा के अलावा शाकाहारी भोजन, घूमने के लिए बस, रहने के लिए धर्मशाला की व्यवस्था और हर कोच में सिक्योरिटी गार्ड समेत टूर एस्कॉर्ट उपलब्ध होगा। इस ट्रेन में यात्रा के लिए IRCTC की वेबसाइट पर या एजेंट से भी श्रद्धालु बुकिंग कर सकते हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए जहानाबाद से मुकेश की रिपोर्ट।